₹1 की कीमत क्या होती है? अगर ये जानना है तो आपको कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से पूछना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट ने गिरिराज सिंह मलिंगा को एक लीगल नोटिस भेजकर ₹1 का हर्जाना मांग लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ₹1 का हर्जाना मांग लिया है। और इसके साथ ही नोटिस में ये भी कह दिया है कि अगर 7 दिनों के भीतर कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जो कि धौलपुर के बाड़ी से विधायक हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो पायलट उन पर कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की सियासत अभी इस वक्त 2 धड़ों में बट चुकी है। एक खेमा है अशोक गहलोत का और दूसरा है सचिन पायलट का। सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर हरियाणा के होटल में हैं, वहीं गहलोत ने भी अपने खेमे के विधायकों की होटल में बाड़ेबंदी कर रखी है। अब आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, जिसमें पायलट खेमा शांत है और गहलोत खेमे की तरफ से, और यूं कहें कि खुद अशोक गहलोत की तरफ से भी पायलट और उनके विधायकों पर हमला बोला जा रहा है। तो ऐसे में गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी ऐसा ही कुछ किया पायलट के साथ। कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरिराज सिंह मलिंगा ने साफ तौर पर कहा था कि सचिन पायलट की तरफ से मुझे 35 करोड़ का ऑफर दिया गया था, पर मैंने इसके लिए मना कर दिया। राजस्थान के सियासी बवंडर में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था और साजिश के तहत सरकार गिराने का आरोप भी लगा दिया गया था। ऐसे में सचिन पायलट ने गिरिराज सिंह मलिंगा को एक लीगल नोटिस भेजते हुए उनसे 7 दिन के अंदर माफी मांगने की बात कह दी है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सचिन पायलट मलिंगा पर मानहानि का केस दर्ज कर देंगे। इन सब बयानबाजी के बीच सचिन पायलट ने कहा कि वो बयान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को लेकर मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा कि मेरी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी उन पर और भी संगीन आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन मैं इससे हारूंगा नहीं। अब पायलट बनाम गहलोत की लड़ाई विधानसभा से निकलकर कोर्ट का रुख भी कर चुकी है। वहीं हाई कोर्ट में चल रहे इस सियासी घमासान पर कोर्ट ने 24 तारीख तक कोई फैसला नहीं करने का निर्णय भी सुनाया था। इसी के साथ ही विधानसभा स्पीकर को भी 24 तारीख तक कोई कार्यवाही न करने का आदेश दे दिया गया था। अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है, पर गहलोत सरकार ने सोच रखा है कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर करेंगे। तो आप देख रहे थे राजस्थान संवाद, ये थी गहलोत बनाम पायलट पर हमारी खास रिपोर्ट।